call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपके लिए इंडिगो कंपनी का हैंड कटर लेके आऊं। दोस्तों हैंड कटर के साथ ये टेबल सो का भी काम करता है। ये टेबल सो का काम किस तरीके से करता है तो आपने वीडियो में शुरू से लेके एंड तक आपने बने रहना, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। और जो सा वीडियो का लाइक का टारगेट है मैंने 5000 का रखा, जब ये हमारा 5000 का लाइक का टारगेट पूरा हो जाएगा तो हमने क्या करना है, इंडिगो कंपनी का हैंड कटर का गिव अवे करना है। तो हाँ दोस्तों, कोई भी इस कंपनी का प्रोडक्ट वगैरह या इस कंपनी का कोई भी टूल वगैरह इस्तेमाल करता है तो आपने कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना तो इस कंपनी के टूल का परफॉर्मेंस कैसा है। तो सबसे बड़ी गर्व की बात तो यह है, ये इंटरनेशनल ब्रांड नहीं है, जो हमारी इंडिया का ब्रांड है। और दोस्तों चलो इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अनबॉक्सिंग से पहले ये जरूरी आपसे बात शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों कोई भी इंडिगो कंपनी का आप कोई भी टूल वगैरह खरीदते हो तो उनके बॉक्स के ऊपर क्या होता है, सील लगी हुई होती है। ये जैसे इन्होंने सील लगा रखी है तो मैंने तो ब्रेक कर लिया, मैंने खोल के देख लिया था। तो दोस्तों ये आपको कभी भी जब आपने प्रोडक्ट खरीदना दुकान से तो आपको सील ब्रेक हुई हुई ना मिले, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि कल को कोई भी इसके अंदर पार्ट्स वगैरह हो सकता है तो हो सकता है आपका मिस भी हो सकता है। तो आपने सील की जरूर पहले जाँच करनी है। हैंड कटर परचेज करते हो तो ये वाला बॉक्स भी हमें इसके साथ में मिलता है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। दोस्तों ये देखते हैं हमें इसके साथ क्या क्या चीजें साथ में मिलती है। दोस्तों एक हमें ये मैनुअल गाइड मिलती है जिसके जरिए हमें पता लगता है कि इसमें कटर में कौन कौन सी हमारे ये फंक्शन कहाँ कहाँ इस्तेमाल होंगे। तो दोस्तों इन्होंने पीछे कस्टमर केयर भी नंबर दे रखा है तो आप इनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों एक इन्होंने यहाँ, तो इसके जरिए पता लग जाएगा कंपनी कौन कौन से टूल बनाती है। तो दोस्तों इसमें 6 महीने की वारंटी रहती है हमारी, ये कार्ड आपने 6 महीने तक संभाल के रखना है। दोस्तों इस हैंड कटर का जो सा मॉडल नंबर है SLOK30, ये इसका मॉडल नंबर है। और दोस्तों जो सी हम इसकी RPM की बात करें तो 12,500 इसके RPM है, यानी कि एक मिनट में 12,500 बार चक्कर लगाता है। और दोस्तों इसकी हम वोल्टेज की बात करें तो आम जैसे इंडिया का टूल है, ये इंडिया का कटर है, तो आम घरों में जो सी हमारी वोल्ट रहती है वो 230 वोल्ट रहती है, तो इसी हिसाब से इन्होंने इसको बना रखा है। और दोस्तों इसकी वाट की बात करें तो 1350 वाट है। ये देखिए कितने हैवी ड्यूटी इसमें वाट है, कोई भी आप हैवी ड्यूटी लकड़ आप इससे कटिंग कर सकते हो। और जो सा इसके अंदर ब्लेड आता है वो 5 इंची का हमारा ब्लेड आता है। और दोस्तों जो सी इसका कलर कॉम्बिनेशन आप देख रहे हो तो ब्लैक और पीले में है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। और दोस्तों इसकी सबसे जो सी बेस प्लेट की मैं बात करता हूँ, आम जो से लोकल कटर वगैरह आते हैं हमारे उसके अंदर क्या होता है, यह 1.5 mm की या 1 mm की प्लेट होती है जिससे हमारा कटिंग का बैलेंस सही नहीं बन पाता। और दोस्तों जो सी इन्होंने ये कटिंग लगाई है, अपनी बेस प्लेट लगाई है, ये यानी कि 2 mm की बेस प्लेट है और काफ़ी हैवी ड्यूटी है। और दोस्तों डस्ट के लिए इन्होंने क्या कर रखा है, ये देखिए छोटा सा डस्ट कनेक्टर लगा रखा है। ये आप जिधर मर्जी इसका यानी कि डस्ट कर सकते हैं, आप इधर की लेफ्ट की तरफ भी कर सकते हो, राइट की तरफ भी कर सकते हो, आप सामने भी कर सकते हो। तो ये इन्होंने बहुत अच्छा फंक्शन एक दे रखा है। और सबसे अच्छा फंक्शन इसके अंदर ये भी है कि आपको कितना कटर निकालना है, ये कम निकालना है क्या ज़्यादा निकालना है, तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। और इसके ऊपर भी इन्होंने छोटा सा ये दे रखा है, कस्टमर केयर नंबर दे रखा है, आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए। तो 6 महीने की वारंटी इन्होंने इधर भी लगा रखी है। और तो स्विच के ऊपर देखो जी, इन्होंने इंसुलेशन चढ़ा रखी है कि हमारा बुरादा वगैरह इसके अंदर ना जाए, यानी कि अगर आपने लगातार चलाना है, जैसे आपको मैंने शुरू में भी बोला था टेबल सो का भी ये काम करेगा जो मैं बताऊंगा जी कैसे काम करेगा। और दोस्तों एक हमें सबसे बड़ी समस्या पता क्या रहती है, हम कभी भी जब राइट एंगल में कोई भी वुड वगैरह काटते हैं तो ये हमारी प्लेट क्या है वो पतली होती है या ये ऐसे राइट एंगल में नहीं रहती, तो कभी हमें इसके नीचे पलाइयाँ वगैरह देनी पड़ती हैं, तो इस चीज़ से आपका छुटकारा ख़त्म। और दोस्तों जो सी इसकी ये मोटर है, ये कॉपर बाइंडिंग है, तो कॉपर बाइंडिंग में है तो इसमें इसमें ये अपने ब्रश लगते हैं इसके अंदर लेफ्ट और राइट में, यानी कि बड़े ईजी से आप बाहर से ही खोल के कर सकते हैं। और जो सी हमें वायर मिलती है ये भी कॉपर है, तो 2 पिन की वायर है, ये 2.5 मीटर की इन्होंने वायर दे रखी है। तो इसके ऊपर भी इन्होंने इंडिगो की ब्रांडिंग कर रखी है और ये ऑरेंज कलर की है। और दोस्तों कंपनी का एक बहुत अच्छा इन्होंने
लाइन है इनकी वो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी सी इसको खोल देता हूँ। ये देखो वायर काफ़ी लंबी है, नहीं तो हमें ना वायर की बड़ी शिकायत रहती है कारपेंटरों को, या वायर एक या डेढ़ मीटर के करीब होती है, पर इन्होंने वायर बहुत 2.5 मीटर दे रखी है और काफ़ी यानी कि जो सा इन्होंने इस्तेमाल भी कर रखा है इसके ऊपर, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये दोस्तों। इसके अंदर मैंने ब्लेड डाल दिया 5 इंची का, तो आपने कैसे डालना है ये एरो का निशान इन्होंने दे रखा है, तो उधर की तरफ आपने इसके दांते करने हैं। तो चेंज करने का बड़ा आसान तरीका, दोनों ने हमें ये स्पैनर दे रखे हैं और टी वाला एक नॉर्मल वाला, तो हमने इसमें ऐसे लगा के तो इस तरीके से इसको कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बांध सके दोस्तों। जो से इसकी वेट की बात करें तो कितनी हमारी कलाई पर वेट करेगा, 3 किलो 400 ग्राम इसका वेट है। बाकी हमने ब्लेड बांधने के बाद देखते हैं ये हमारा राइट एंगल में है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से लूज करके इसको डाउन कर लेंगे। और दोस्तों ये कटिंग कितनी कर सकता है, अगर हम 2 बोर्ड भी जोड़ते हैं 1.5 इंची तक के, यानी कि 1.5 इंची की बड़े आराम से ये कटिंग कर देगा। अब इसको देखते हैं ये राइट एंगल में है कि नहीं है, बिल्कुल 0-0 है। आमतौर पर क्या होता है, हम जब भी कटिंग वगैरह करते हैं या आधा सूत या हवा जितना हमारा आगे पीछे हो जाता है, तो अगर हमने 15 इंची का बोर्ड काटा है तो हमारा सूत कम 15 ही वो रह जाता है। ये देखिए इसकी क्वालिटी कितनी ज़बरदस्त है। और अब मैं इसके साथ क्या करूँगा, ये मैं ठल लगा के दिखाऊँगा भाई इसकी ठल हमारी कैसे लगती है, जिसको हम गाइड प्लेट भी बोल देते हैं, जिसको हम फेंक्स भी बोल देते हैं। तो सबसे खास बात तो ये है, तो इसके अंदर हमें फेंक्स मिलती है। तो आमतौर पर जितने भी हम जैसे कटर वगैरह लगा चलाते थे, तो उसके अंदर क्या है नीचे की तरफ प्लाई वगैरह हम फिट करते थे, तो दोस्तों उस चीज़ से हमें ना काफ़ी छुटकारा मिल गया। ये देखिए आपने जितना भी कटिंग करना है उस हिसाब से आप इसको निकाल सकते हो प्लेट को जितना मर्जी आप। और ये प्लेट आपकी दोनों तरफ से काम करती है, लेफ्ट राइट दोनों तरफ से आपकी वर्क करेगी और ये इधर से भी करेगी। और इन्होंने जो उनसे ये मार्किंग दे रखी है दोनों तरफ से दे रखी है, इधर से भी दे रखी है तो इधर से भी दे रखी है। ये देखो ये इन्होंने सेंटीमीटर में दे रखी है, 27 सेंटीमीटर तक की है ये, तो ये आपकी इधर से भी कर लग जाएगी। ये देखिए और बैलेंस कितना अच्छा है। तो दोस्तों ये वाला कटर औरों से बेस्ट क्यों है, इसमें ऐसी क्या चीज़ें कि औरों से ये अलग अपने आप को इसको कर दिया गया है। तो दोस्तों इसमें ये है सबसे बढ़िया, जो उनसे हम यानी कि लोकल के ब्रांड के हम कटर वगैरह इस्तेमाल करते हैं उनके नीचे क्या हम करते हैं 6 mm की प्लाई लगा लेते हैं। हम जब 6 mm की प्लाई लगा लेते हैं तो कटिंग हमारी 1.5 इंची की प्रॉपर तरीके से हो नहीं सकती। जैसे कोई भी अलमारी वगैरह करते हैं हम आपस में क्या करते हैं बोर्ड वगैरह को किलो के साथ ज्वाइंट करके फिर हम कटिंग करते हैं, उसके अंदर क्या हमारी जो उनसी कटिंग होती है यानी कि 1 इंची या 1.25 इंची के करीब होगी, तो प्रॉपर फिर बाद में हमें आरी निकालनी पड़ती है, यानी कि टाइम हमारा उतना ही लग जाता है, यानी कि वर्क जिस हिसाब से होना चाहिए तो उस हिसाब से हो नहीं पाता। और दोस्तों इसके अंदर जब हम वो प्लाई लगा लेते हैं, जब हम कटिंग वगैरह करते हैं, कभी हम आगे पीछे करके गुटका लगाते हैं, कोई भी जुगाड़ करते हैं, तो वो काम इतना सही नहीं रहता। इसके अंदर आप कटिंग ज़्यादा से ज़्यादा 11.5 इंची तक की कर सकते हो। ये जो सी आपकी जिसको हम ठल बोलते हैं तो फेंक्स बोलते हैं, तो इसमें 11.5 इंची तक का पीस बड़े आराम से निकल जाएगा। आप जैसे कोई भी किचन कैबिनेट्स का काम करते हो, जैसे आप अलमारियों वगैरह का काम, दराज का काम है आपके, छोटे मोटे जैसे फर्नीचर लाइन की काम है, तो उसमें प्रॉपर तरीके से बहुत ज़्यादा इसमें अच्छा वर्क होगा। आप इसको ऐसे भी फिट कर सकते हो, बाकी मैं आपको वर्क करके तो दिखाऊंगा इसका। दोस्तों मैं इसको चला के देखूंगा। दोस्तों ये मैंने 40 सेंटी में बांध दिया है, तो देखते हैं ये इसका गेज सही काम करता है कि नहीं। और इसका देखते हैं जैसे हम कोई भी और लोकल कटर से हम कटिंग वगैरह करते हैं तो क्या हमारी बदगुनियाँ हो जाती है, तो इसका भी देखेंगे राइट एंगल में चल रहा है क्योंकि जो सी इन्होंने ये बेस प्लेट लगा रखी है, देखते हैं किसी काम की है कि नहीं है। और ये देना इसका डस्टिंग कितना ज़बरदस्त जाएगा। और सबसे पहले तो हम राइट एंगल चेक करेंगे इसका, और दोस्तों राइट एंगल में बिल्कुल 0-0 गया है। अगर आपने कोई भी फट्टा अगर 10 इंची का काटा है तो आपको रंधा लगाने की जरूरत नहीं, उसको सीधा करने की, यानी कि गुनिये में बिल्कुल 0-0 है। ये देखिए आपके सामने, और ये वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 राइट एंगल है जिसके साथ मैंने चेक किया है। और देखते हैं ऐसे, और दोस्तों मैंने 40 सेंटीमीटर पर बांधा था और ये बिल्कुल 40 है, तो यानी कि जोनसन इन्होंने ये गेज मीटर दे रखा है ये भी बिल्कुल इनका 0-0 है। तो इसलिए कंपनी का ये टूल यानी कि मैं तो इसको नंबर 1 ही बोलूंगा। अगर बाकी और भी हम कटिंग करके देखते हैं इसके साथ, मैं दोनों पीसों को जोड़ के काटता हूँ। ये देखिए 1.5 इंची है पूरा,
तो ये दोनों पीसों को कटिंग हो जाएगी हिसाब से। अगर ये टुकड़ा गिर जाता है तो समझ लो इसने 1.5 इंच ही काट दिया है, अगर ये नहीं गिरा फिर। दोस्तों मैंने ये थे आपको कटर के बारे में बोला था कि हमारा ये कटर यानी कि टेबल सो भी बन जाएगा, तो किस तरीके से बनेगा ये मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों इन्होंने दो यहाँ पर होल कर रखे हैं, तो इसके अंदर क्या करेंगे, कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर हम इसको कस लेंगे, टाइट कर लेंगे। ये हमने रख लिया। अब दोस्तों ये हो गया, अब मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से इसको मुझे जितना कटर चाहिए तो मैं इस हिसाब से इसको ऊपर निकाल लूँगा। और दोस्तों कम से कम इसकी कटिंग जो सी आपकी इसमें जो सी वुड निकाल सकते हो 5 mm तक की निकाल सकते हो। आम क्या होता है हमारा कटर ना काफ़ी पीछे रह जाता है, 1.5 इंची तक का ही रह जाता है, उसके बाद कटिंग हो ही नहीं पाती। जैसे हमें जैसे 1/2 इंची की स्टेप चाहिए हो, 1/4 इंची की चाहिए हो, 6 mm की चाहिए, तो मैं हो नहीं पाती। इसके अंदर मैं आपको सारा काम करके दिखाऊंगा। दोस्तों ये मैंने आपको जैसे बोल रहा टेबल शो की तरह अब ये काम करेगा। तो दोस्तों जैसे मैंने शुरू में बोला था इन्होंने मार्किंग नंबर इधर भी दे रखे हैं तो पल्ली तर भी दे रखे हैं, अब ये जैसे उल्टा मैंने कर दिया टेबल शो की तरह इसको इस्तेमाल करूँगा। तो दोस्तों ये देखो ये इन्होंने सेंटर पॉइंट दे रखा है, यानी कि ये कटर का ये हमारा सेंटर पॉइंट है। जितना भी आपको चाहिए होगा, जैसे 1 सेंटी चाहिए होगा तो 1 सेंटी आप कर सकते हो, जैसे ये सेंटी के अंदर 6 सेंटी चाहिए तो 6 सेंटी कर, यानी कि बार बार आपको इंची टेप लगाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल जो सी एक्यूरेसी है इसकी 0-0 आएगी। और जो सी कम से कम मैं यहाँ से देखो 5 mm तक की आपकी स्टेप इसमें उतर सकती है, नहीं तो आम जो से कटर हैं हमारे इतने पीछे रह जाते हैं, यानी कि उसके बाद हम कटिंग नहीं कर सकते। इसके साथ आप यहाँ तक कटिंग कर सकते हैं। ये देखें कोई भी दराज वगैरह, कोई भी डोर वगैरह बनानी है, कोई भी वुड वर्किंग पर आपको जाली का काम करना, तो सारे काम इसके ऊपर हो जाएंगे। दोस्तों स्ट्रिप देखिए एक जैसी यानी कि मोटाई है, एक जैसी यानी कि कहीं से पतली नहीं है, और यहाँ से भी बिल्कुल एक जैसा सहज आया इसका। तो ये इसकी सबसे ज़्यादा खासियत है। कोई भी जैसे ब्रीक काम हम करते हैं, जैसे फर्नीचर लाइन में, जैसे इले वगैरह किसी के अंदर भरने, तो सबसे बेस्ट है ये। बाकी आपको और भी करके दिखाता हूँ, चलो। दोस्तों बिल्कुल इसका सहज 2 इंची से आधा सूत इधर कम है, तो 2 इंची से आधा सूत इधर कम है, बिल्कुल 0-0 है। दोस्तों इसके अंदर कितनी फिनिशिंग से हुई है ये देखना, एक एक अगर हम हाथ के साथ करते भी फट्टी लगा के करते तो एक जैसे, अब क्या करेंगे हम इधर भी करेंगे तो इसमें हम जाली बनाएंगे, तो जाली कैसे बनता है ये मैं आपको दिखाता हूँ।
दोस्तों वेंटिलेशन हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, जैसे एयर के लिए मैंने दिखाया था ये आपको। दोस्तों अगर हाथ के साथ करते और कोई भी कटर के साथ हम फट्टी लगा लगा के करते तो हो सकता तो इनके ना जो सा ग्रुपिंग में फ़र्क आ जाना था, तो कम बढ़ती है, देखने में इतना खूबसूरत नहीं लगता। अब मैं आपको लाइट बंद करके दिखाता हूँ तो इसकी जाली कितनी प्यारी निकली है। दोस्तों मैं आपको लाइट बंद करके दिखाता हूँ, देखो इसको कितनी प्यारी रोशनी आर पार हो रही है, ये देखिए। ये देखिए और बिल्कुल आप देखोगे एक्यूरेसी से सारे निकले हैं इसमें। दोस्तों इंडिगो कंपनी का जो सा फैमिली बैकग्राउंड है, जो उनके पूर्वज वगैरह थे वो कारपेंटर थे, तो इनके उसी नज़र से इन्होंने टूल वगैरह बनाया कि कारपेंटर को कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, तो उन चीज़ों का इन्होंने सारा हल कर दिया है। तो एक सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे एक कारपेंटर भाई ने अपनी इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी की है कारपेंटरों के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो को मैंने सब कुछ बता दिया, क्या क्या इसके फंक्शन थे कटर के, उसके कौन कौन सा ये वर्क इसके अंदर कर सकता है। और दोस्तों ये आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन का बटन दबाने के बाद ऑल का बटन दबा देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। धन्यवाद।